हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अल्टरनेटिव मेडिसिन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में कि आखिर यह क्या बला है जिसने अफ्रीकी देशों में आतंक मचाई हुई है। सबसे पहले ओमिक्रॉन का जो केस है, जो पहला केस है, वो अफ्रीका के एक गाँव में देखा गया। उसके बाद यह धीरे धीरे यूरोप और अफ्रीका के 13 देशों में फैल गया, जैसे कि ब्राज़ील, हांगकांग, सिंगापुर। अभी भारत में इस वेरिएंट के आने की किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है। जो भी खबर जो मिल रही है वो सब अफवाह है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि भारत में कोई ओमिक्रॉन का केस मिला हो। WHO के अनुसार ओमिक्रॉन जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था, जिसने भारत में तबाही मचाई हुई थी, उससे 7 गुना अधिक संक्रामक और तेज़ी से फैलने वाला बताया है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है तेज़ी से प्रभावित करने वाला। विशेषज्ञों के अनुसार जो कोरोना का जो वायरस है उसमें 30 से अधिक परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से उसके जो कोरोना के जो स्पाइक्स हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। स्पाइक्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस के चारों तरफ कांटेनुमा नुकीला संरचना होता है, निकला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्पाइक्स। उसी के सहारे वह हमारे शरीर को भेद कर अंदर प्रवेश करता है। तो उस स्पाइक में 30 से अधिक परिवर्तन या म्यूटेंट हुआ है, तो इस कारण से यह बहुत ही अधिक खतरनाक है। जो पहले जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट था उससे भी यह खतरनाक है। का जो तापमान है, जो जलवायु है, वो अलग होता है, हमारे देश का अलग है। तो हमारे देश में अगर यह आ जाएगा तो उसके फैलने की दर क्या होगी, इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी लगे हैं इसकी जानकारी जुटाने में कि जो वैक्सीन जो हमारे देश में लगा है वो जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसमें प्रभावी है कि नहीं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अधिकारियों की टीम बुलाकर एक विशेष बैठक आयोजित की है, जिसमें 1 दिसंबर से एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें खास करके जो विदेश से यात्रा कर भारत आने वाले लोग हैं उसके लिए एक विशेष नियम बनाए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि विदेश से यात्रा कर कहता है, खास करके उन 13 देशों में जहाँ पर ओमिक्रॉन फैला हुआ है, तो उसको पूरा डिटेल, पूरा ब्यूरो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर देना होगा, वहाँ पर हेल्प डेस्क होगा, वहाँ पर विशेष उन लोगों की जांच की जाएगी, पूरा हिस्ट्री ली जाएगी, उसके बाद 7 दिन उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने लोगों से ये अपील की है कि जो कोविड गाइडलाइन के जो नियम्स हैं उसका पालन आप हमेशा करिए। अभी तक हमारे देश से कोरोना गया नहीं है, कंट्रोल में ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, और ऊपर से यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, और जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, जो एक भी डोज नहीं लगवाए हैं, वो वैक्सीन लगवा लें, और जिनका फर्स्ट डोज लग गया है लोग सेकंड डोज लगवाएं। और सर्दी खांसी या किसी भी प्रकार का कोरोना से संबंधित सिम्टम दिखने पर तुरंत आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।